सब्सक्राइब करें टेक्निकल बीट्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो वेलकम गाइस, मेरा नाम है अक्षय। आप देख रहे हैं हमारे टेक्निकल बीट्स यूट्यूब चैनल को। और गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी 32 के क्वाड रियर कैमरा सेटअप के बारे में। जी हां गाइस, मैं आज आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आप सैमसंग गैलेक्सी 32 का क्वाड रियर कैमरा किस तरह से यूज कर सकते हो, और इसका आज हम कैमरा टेस्ट करने वाले, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि सैमसंग गैलेक्सी 32 का कैमरा कैसा है। तो प्लीज हमारे वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, कहीं पर स्किप मत करना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते। चलेगा इस वीडियो स्टार्ट कर लेते, आपका और हमारा टाइम ना गवाते हुए। तो गाइस, ये हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी A32 और सैमसंग गैलेक्सी A32 के अंदर हमें क्वाड रियर कैमरा सेटअप यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस क्वाड कैमरा सेटअप के बारे में। तो यहाँ पर 64 MP का हमें मेन कैमरा देखने को मिलता है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाता है, 5 MP का हमें डेप्थ लेंस देखने को मिल जाता है, और 5 MP का हमें मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है, और साथ ही में हमें एक LED फ्लैश लाइट देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करते हैं सेल्फी कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर हमें 20 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि इसका कैमरा सेटअप आप इजीली किस तरह से यूज कर पाओगे, यानी कि इसमें जो कैमरा मोड्स देखने को मिलते हैं उसे आप किस तरह से सेटअप कर पाओगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कैमरा ओपन कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको नॉर्मल फोटो का मोड यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आप 64 MP के अंदर फोटो क्लिक कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमें अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है 8 MP का, उसे आप किस तरह से ऑन कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें से इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो, तो आपके फोन का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप इसे बंद करना चाहते हो, तो आप यहाँ से इसे बंद कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें हमें 5 MP का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। तो मैक्रो लेंस आप किस तरह से यूज़ कर पाएंगे, तो आपको यहाँ पर मोड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जाते ही आपको यहाँ पर मैक्रो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप मैक्रो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो, तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि 3 से 5 cm नज़दीक वाली चीज़ की आप फोटो ईजिली क्लिक कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमें 5 MP का पोर्ट्रेट लेंस देखने को मिल जाता है, जिसे हम डेप्थ लेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पर पहले सैमसंग के अंदर हमें लाइव फोकस का ऑप्शन देखने को मिलता था, उसे बंद करके कंपनी ने पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन यहाँ पर लगा लिया है। तो यहाँ पर आप 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर किसी भी सब्जेक्ट को इजीली क्लिक कर पाएंगे, यानी कि जो ब्लर वाली फोटो है वो 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर आप क्लिक कर पाएंगे। जिसे यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर पोर्ट्रेट को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको अपना ब्लर वगैरह एडजस्ट करना है, तो यहाँ से इसे आप यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें हमें और सारे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वीडियो मोड भी देखने को मिलता है। वीडियो मोड के अंदर हमें अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है, जो हमारे फ़ोन के अंदर 8 MP का यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे आप इसे सिलेक्ट करते हो, तो हमारा अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से हम इसे नॉर्मल मोड पर क्लिक कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप फुल HD के अंदर काफ़ी सारे ये ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। 13 FPS पर वीडियो शूट कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर HD का भी ऑप्शन देखने को मिल जाए 13 FPS के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर हमें काफ़ी सारे और मोड भी देखने को मिलते हैं, एआई डूडल, प्रोफेशनल वीडियो, पैनोरामा, फूड मोड, नाइट, मैक्रो लेंस, स्लो मोशन और हाइपरलैप्स भी देखने को मिल जाता है। तो गाइज, इस फ़ोन से हमने काफ़ी सारे इमेज वगैरह क्लिक किए, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि सैमसंग गैलेक्सी 32 का कैमरा कैसा है। तो चलिए गाइज, मैं आपको इमेज वगैरह दिखा देता हूँ।